तो बच्चों को लोग कंधे पे बैठा लेते थे, कंधे पे बैठा के जाते थे। मैंने किसी बच्चे को यहाँ कंधे पे बैठे नहीं देखा। थोड़ा अगर किसी के बच्चे हैं तो कंधे पे बिठाई बड़ी केयर हो, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे यहाँ से उठाई गिरे नहीं, लेकिन बिठाइए जरूर। अगली बार कोशिश करेंगे मूंगफली का ठेला भी लगा दें बाहर, रेवड़ी का मूंगफली का ठेला या पेठे का या दालों का आगरा से मंगवाएंगे तो लगाएंगे आपके साथ। ठीक है, हाँ कंधे पर बिठाइए, उन्हें बताइए बच्चे को छोटी छोटी बातें बहुत याद रहती है। आई थिंक 40 साल पहले की बात है जब मैं अपने ग्रैंड फादर के साथ रावण का दहन देखने जाता था, पर अभी भी मुझे याद है। तो हमारे यहाँ परंपरा है हनुमान जी भी भगवान राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा के लेके गए थे, तो एक राइट शोल्डर पे राम जी और लेफ्ट पर लक्ष्मण जी को बिठाया था। अब इतनी तो हम लोगों में शक्ति नहीं कि दो बच्चे बिठा लें एक साथ, लेकिन एक तो बिठा ही सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बिठाइए, एंजॉय करिए, अगर थक जाए तो उतार दें। हाँ दो तीन ने तो बिठाया, आपने बिठाया, हाँ ऐसे उनको बताइए कि वो ऐसे कंधे पे बिठाते हैं। तो शंख बज गया, भगवान राम निकल चुके हैं और इस समय जो ट्रक है उसके ऊपर सारे कलाकार चढ़ रहे हैं, और उसके बाद ये ट्रक एक बार पूरे यात्रा करेगा, यहाँ पे आएगा और उसके बाद शुरू होगा राम रावण युद्ध। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए लंकापति रावण की, रावण की जय बोलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हाँ ऐसे जय बोलते हैं, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज की, मेघनाथ की, मेघनाथ तो कल ही मर गया, जय बुला रहे। तो अगले साल कोशिश होगी तीन हम बनाए, मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण, और जो मेघनाथ कुंभकर्ण रावण वध की लीला है वो यहीं पर होगी। तो आप थोड़ी देर में ट्रक तैयार होने वाला है और उसके बाद आपके सामने आएंगे राम लक्ष्मण और उधर रावण, क्योंकि मेघनाथ और कुंभकर्ण का तो कल वध हो गया। तो जो रावण है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हे है, भूसा भरा है, उसमें घी है, इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो है क्रैकर्स हैं, इलेक्ट्रिकल फायर है, तो बहुत ज़्यादा जो मैकेनिकाइज रावण बना हुआ है इस बार आप देखेंगे, तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर ऑलरेडी है। तो बहुत बड़ा इस बार रावण में चेंज है, आप जो देखेंगे बिल्कुल उसकी जो आवाज़ है वो इंडिया की तरह होगी, इतने पटाखे उसमें भरे गए। बस थोड़ा दिल थाम के रहिए और मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की, लंकापति रावण की, फिर लंकापति रावण में जिसकी आवाज आ गई समझो फिर। तो रावण जो है अपने राक्षसों के साथ ट्रक पे चढ़ चुका है, आप देखें पीछे। और थोड़ी देर में ये ट्रक जो है उसको विमान लेके आने वाला है, रावण को, रावण के राक्षस परिवार को, राक्षस कुल को। तो आप रावण के पीछे जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लाइव जो है आप फेसबुक पे डाल सकते हैं। इधर इधर इधर